हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 5। एज्यूम दैट एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस 1, जी डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 एंड जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 एंड हमें एक फंक्शन गिवन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि एक्स की जगह पे हमें 2 पुट करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सो सॉल्यूशन, तो जो गिवन है हमारे पास इक्वेशन वो है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, मतलब कि हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले एफ की डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। देन एफ के अंदर जी फंक्शन है तो उसके बाद में जी की डेरिवेटिव दैट इज जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। इनटू में वन की डेरिवेटिव वन आती है, एक्स की डेरिवेटिव वन आती है, इसलिए हम उससे नहीं लिखेंगे। ओके, अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे, ठीक है। पुट एक्स इज इक्वल टू 2, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे ये हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफ्रेंशिएट करना किया है, ठीक है। इसकी जगह पे 2 नहीं रखेंगे, ये एक्स ही रहेगा। यहाँ पे एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2, ठीक है। देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 की वैल्यू में गिवन है 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू जी डैश ऑफ 2, जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू देकर हमको 5, तो इंटू हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ओके, दैट इज इक्वल टू अब एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू में गिवन है माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 5, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, काफी इजी क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम एक इक्वेशन देख रहे हैं एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एफ ऑफ 1, जी ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 एंड जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें एच डैश ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन हम एक्स की जगह पे 1 पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स। तो हमें एच डैश ऑफ 1 फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, क्या आती है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव 1/2 इंटू अंडर रूट सेम रहेगा 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू अभी हमने स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव लिखा है, अब उसके अंदर जो वैल्यू है जैसे कि यहाँ पे एक्स है तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, ये पूरा फंक्शन देकर है, तो हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। इन ब्रैकेट 4 कोएफिशिएंट है तो एज इट इज रहेगा 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 3, 3 कोएफिशिएंट है, 3 एज इट इज रहेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी दैट इज जी डैश ऑफ एक्स। ओके, तो इस तरह से कंप्लीट डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए है।
हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें एच डैश ऑफ वन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे। ओके नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू वन, वी गेट एच डैश ऑफ वन इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में रहेगा टू इंटू अंडर रूट फोर इंटू एफ ऑफ वन प्लस थ्री इंटू जी ऑफ वन। इसे हम ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे, फोर इंटू एफ डैश ऑफ वन प्लस थ्री इंटू जी डैश ऑफ वन। ओके सो दैट इज इक्वल टू फोर इंटू एफ डैश ऑफ वन, एफ डैश ऑफ वन हमें गिवन है थ्री, तो फोर इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू जी डैश ऑफ वन, जी डैश ऑफ वन इज गिवन है फोर, डिनोमिनेटर में टू इंटू अंडर रूट फोर इंटू एफ ऑफ वन फोर है प्लस थ्री इंटू जी ऑफ वन थ्री है। ठीक है सो दैट इज इक्वल टू एच डैश ऑफ वन इज इक्वल टू फोर थ्री जै ट्वेल्व प्लस फोर थ्री जै ट्वेल्व, डिनोमिनेटर में डायरेक्ट 24 लिख दो ना, 12 प्लस 12 24, 2 इंटू अंडर रूट 4 प्लस 4 16 प्लस 9 प्लस 9, 4 इंटू 4 16 प्लस 9 इंटू 9 3 इंटू 3 9, यानी कि 16 प्लस 9 कितना होता है 25। सो इसे डिवाइड करेंगे तो 12 मिल जाएगा हमें, सो 12 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट 5, तो एच डैश ऑफ वन इज इक्वल टू 12/5 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स माइनस टू साइन एक्स वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन है जो एक्स की वैल्यू 0 to 5 के बीच में है। ठीक है, मतलब कि क्या है एक्स टू एक्स क्या है एंगल है, तो एंगल की वैल्यू क्या होती है 0 to 5 के बीच में ही होती है। ओके है ना, तो हमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है सिंपल सा बोले तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रहे कर्व की वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स माइनस टू साइन एक्स, और हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो दे करे, तो हम क्या करेंगे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वल टू जीरो लिखेंगे, देन जैसा भी होता है एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स माइनस टू साइन एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन की डेरिवेटिव कॉस टू एक्स इंटू टू एक्स है, तो टू एक्स की डेरिवेटिव आ जाएंगे टू आ जाएंगे सिर्फ, माइनस टू कोएफिशिएंट है तो एज इट इज रहेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस एक्स। ओके, एंड हमें डी वाई बाई डी एक्स जीरो देकर है, तो हम लिख सकते दिस इक्वल टू जीरो, देयरफॉर अब ये 2 है तो 2 को पहले लिख दो, 2 cos 2x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0, सिंस dy बाय dx इज इक्वल टू 0 गिवन है ये। सो देयरफॉर 2 cos 2x, हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला है क्या है, cos 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन माइनस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस 2 माइनस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 है 2 है 2 है, क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट 2 कॉस स्क्वेयर एक्स, इसे पहले लिख देंगे माइनस कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है,
अभी हमें दिख रही है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है और यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसी तरह सॉल्व करो या फिर इसकी जगह कुछ और वेरिएबल ले लो। हम यहाँ पे लेंगे लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। वी गेट देयर फोर 2a² माइनस a-1 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसके फैक्टर फाइंड करना है। सो फैक्टर किसके निकालना है हमें, 2 1 2, 2 के फैक्टर हमें चाहिए -2 के, और नीचे हमें -1 मिलना चाहिए उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या लेंगे, 2 × 1 माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस प्लस, -2 + 1 -1 होता है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2a² माइनस 2a - a - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहां से हम क्या करेंगे, इस टर्म में से 2a कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा एक a और यहां बचेगा सिर्फ 1। यहां से +1 कॉमन लेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, a - 1 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये तो हमें सॉल्व करते ही आता है, हमने क्लास 10 में कई बार सॉल्व किया इसे, 2a + 1 × a - 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दोनों को सेपरेट करेंगे, 2a + 1 इज इक्वल टू 0 और a - 1 इज इक्वल टू 0। वी गेट हेयर a इज इक्वल टू -1/2 और a इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू है कॉस एक्स, सो देयर फोर कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। पहले तो 1 के लिए लेते हैं, अब कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉस की वैल्यू 1 कब आती है, जब एंगल कितना होता है, या तो 0 होता है, या तो 2 पाए, या तो 4 पाए, या तो 6 पाए, बट हमें गिवन क्या है, एंगल इज बिटवीन 0 टू 2 पाए। तो हम लिख सकते हैं देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 0 और 2 पाए, ठीक है, क्योंकि हमें 0 और 2 पाए के बीच की वैल्यू लिखना है। तो अगर कॉस एक्स 1 आ रहा है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, या तो कॉस 0 1 होता है, या तो कॉस 2 पाए 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे होगा इतना, हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिली है, हमारे पास एक और वैल्यू है, एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या मिला हमें, -1/2, ओके। सो 1/2 में कब मिलता है कॉस की वैल्यू, जब एंगल कितना होता है, 60 होता है, 60 मीन्स के π/3। सो देयर फोर वी कैन राइट हेयर, ऐसी के आगे लिख सकते हैं हम, -1/2 मीन्स -of 1/2, यानी के cos π/3। बट हमें ये माइनस रिमूव करना है, तो हमारे पास एक कॉस की प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला समझ लो, क्या है, cos of π - θ इज इक्वल टू -cos θ होता है, ठीक है। हमारे पास -cos θ है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, π - θ लिखेंगे, ठीक है, यानी π - π/3। सो देयर फोर कॉस एक्स इज इक्वल टू cos π - π/3, यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos of 3 - 1 2π/3, ओके। एंड देयर फोर एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 2π/3, यानी कि 0 एंड 2π/3 एंड 2π। तो इस तरह से हमें कॉस की 3 वैल्यू मिली है, ओके। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है हमें, सिंपल से फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स को भरना है, जो कि हिंड हिंड बास्केट में जो वैल्यूज गिवन है, ओके। तो हमें क्या गिवन है, ये हिंड बास्केट है यहाँ पे, और हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² + 5 एंड g(x) इज इक्वल टू e^x + 3, ओके। और जो पहली ब्लैंक है, क्या गिवन है यहाँ पे, f(g(x) इज इक्वल टू क्या आएगा करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमारे पास f(x) एक फंक्शन है, g(x) एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, देख रहे हैं आप कि x की जगह पे g(x) आ गया, ठीक है ना। तो जो f(x) का जो फंक्शन है, और जहाँ पे भी x आएगा, तो हम क्या करेंगे, उस x की जगह पे g(x) फंक्शन लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे e^x + 3। सो x² है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, e^x + 3 का स्क्वायर,
ठीक है, प्लस 5, क्योंकि एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स आ गया, तो हमने एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर देंगे हम, दैट इज स्क्वायर को एक्सपेंड करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज एक्स का स्क्वायर 2 इंटू रेस्ट पावर एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5, दैट इज इक्वल टू रेस्ट पावर 2x हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 3 6 रेस्ट पावर एक्स प्लस 9 प्लस 5 कितना हो जाता है, 14 होता है। ठीक है, तो इसके बिलाइंग में क्या मिल रहा है हमें, ई रेस्ट पावर 2x प्लस 6x प्लस 14, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है फर्स्ट ब्लैंक के लिए। ओके, देन सेकंड सेकंड ब्लैंक हमारे पास है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे फंक्शन कर रहे थे उसी तरह से यहाँ पे ये फंक्शन ऑपरेट होगा, क्या होगा, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स, एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। ओके, तो इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इतना ही रहेगा। तो ऐसी वैल्यू कहाँ पे भी दिख रही है हमें, यहाँ पे ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, तो ये जो वैल्यू आएंगी ये आएंगी सेकंड ब्लैंक के लिए। ओके, देन थर्ड ब्लैंक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, मैं इसे मिटा देता हूँ, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हमें सिंपल डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स हो जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, लिखो या फिर मत लिखो, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 2x हमें यहाँ दिख रहा है, तो थर्ड ब्लैंक में आएगा 2x, देन उसके बाद में हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, सो ई रेस्ट पावर एक्स की डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स ही होती है, कॉन्स्टेंट की डेरिवेटिव 0, लिखो या फिर मत लिखो, यानी जी डैश ऑफ इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ई रेस्ट पावर एक्स, ये आ जाएगा फोर्थ ब्लैंक में। देन उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, डेरिवेटिव किसकी फाइंड करना है हमें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि जो फर्स्ट ब्लैंक में वैल्यू थी उसे हमें डिफरेंशिएट करना था, तो फर्स्ट इसमें कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है, ई रेस्ट पावर 2x प्लस 6 ई रेस्ट पावर एक्स प्लस 14। ठीक है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ई रेस्ट पावर 2x, तो ई रेस्ट पावर 2x की डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर 2x ही होती है, इंटू 2x की डेरिवेटिव 2 प्लस 6 कोएफिशिएंट है तो 6 6 ही रहेगा, और ई रेस्ट पावर एक्स की डेरिवेटिव वही होती है प्लस कॉन्स्टेंट की डेरिवेटिव 0, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस्ट पावर 2x प्लस 6 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स। तो ये वैल्यू हमको कहीं दिख रही है, हमको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाऊंगा फिफ्थ फिफ्थ ब्लैंक में वैल्यू आएंगी वाली। देन नेक्स्ट सॉरी, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये नेक्स्ट साइड में जो वैल्यू हमें गिवन है, देयर फोर क्या है, देयर फोर dy बाय dx इज इक्वल टू y की जगह पे यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें यहाँ जो ब्लैंक दिखा रहे हैं यहाँ पे हमको ये वैल्यू आएंगी। ठीक है, जो उससे प्रीवियस था उसमें उसमें हमको क्या लिखना है, हमें इन द टर्म ऑफ एफ और जी के टर्म में ही लिखना है, यानी सिंपल सा हमें डिफ्रेंशिएट करना था, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और इसे पहली वाली में आएगा, मैं इसे मिटा देता हूँ, यानी कि ये आ जाएगा सिक्स्थ में। फिफ्थ के लिए हमें सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है इसको, एफ का डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, देन जी का डिफरेंशिएट जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें दिख रही है फर्स्ट नंबर पे, तो ये आ जाएंगे हमारे फिफ्थ कॉलम फिफ्थ ब्लैंक में। ओके, उसके बाद में जो सिक्स ब्लैंक में वैल्यू थी, अभी हमने जो सॉल्व किया था इसका डेरिवेटिव,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कौन सी वैल्यू आई थी, टू इंटू ई रेस टू पावर टू एक्स प्लस सिक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट में हमको यही वैल्यू फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो हमको क्या मिलेगा, दैट इज टू इंटू ई रेस टू पावर टू इंटू जीरो जीरो हो जाएगा प्लस ई रेस टू पावर जीरो, ठीक है। ई रेस टू पावर जीरो मतलब कि वन होता है, दैट इज टू प्लस सिक्स एट, तो जो एट है ठीक है वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा सेवन्थ ब्लैंक में, ओके। देन उसके बाद में हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वैल्यू है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एंड ये वैल्यू कौन से सेकंड ब्लैंक में जो वैल्यू थी उसे हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो सेकंड ब्लैंक में ये वैल्यू थी, दैट इज डिफरेंशिएट ई रेस्ट पावर एक्स क्यू प्लस फाइव प्लस थ्री, ठीक है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। सो ई रेस्ट पावर एक्स का तो डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स ही आती है इन टू में, अब इसके पावर में क्या एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव टू एक्स प्लस फाइव कॉन्स्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव जीरो आ जाएंगी, प्लस थ्री कॉन्स्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव भी जीरो आ जाएंगी, दैट इज टू एक्स इंटू ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ये रहेंगे हमारी एट कॉलम के लिए, एट ब्लैंक के लिए ये वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पे है एट ब्लैंक के लिए, ओके। देन लास्ट वन, इसकी वैल्यू में फाइंड करना है सेम वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू वन, यानी एक्स की जगह पे हमें वन पुट करना है, ओके, सॉरी माइनस वन पुट करना है, ओके। तो पुट करो टू इंटू माइनस वन इंटू ई रेस्ट पावर माइनस वन का स्क्वायर प्लस फाइव, सो टू इंटू माइनस वन माइनस टू ई रेस्ट पावर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है, तो वन प्लस फाइव सिक्स। तो लास्ट ब्लैंक में ये वैल्यू रहेंगी, दैट इज दिस वन, यानी कि सेवन्थ हो गए एट ब्लैंक में, ओके। सो इस तरह से क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, आप चाहे तो खुद से भी कर सकते थे, बस ब्लैंक ही भरना था, ओके। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।